Okay, बस में लो भाई हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं आज स्कैल्प वाला चैप्टर ठीक इस है इसमें हमारे पास क्या होता है स्कैल्प स्कैल्प होती है जो हमारा वॉल्ट है ना ये इस वॉल्ट को जो सॉफ्ट टिश्यू कवर करता है ठीक है क्रेडियन वॉल्ट को जो सॉफ्ट टिश्यू कवर करता है दिस इज़ नोन एज अ स्कैल्प ठीक हो गया अब ये स्केल्प कहाँ से कहाँ तक जाता है एंटीरियरली ये ऑर्बिट है ऑर्बिट से थोड़ा सा ऊपर तो सुपर ऑर्बिटल मार्जन्स ठीक है सुपर ऑर्बिटल मार्जन्स पोस्टीरियरली कहाँ तक जाता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूब्रेंस एंड द सुपीरियर नकल लाइन्स सुपीरियर ऑसिपिटल प्रोट्रूब्रेंस ये देखें ये जो सुपीरियर ऑसिपिटल प्रोट्रूब्रेंस है ये यहाँ तक जाता है ठीक है और ऑन ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स तक ठीक है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स हमें यहाँ पे कहीं पे अगर मिल ली जाए तो पर अब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सबको पता चल गई होंगी वहाँ से पढ़नी है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस ये रही ठीक है यहाँ तक अब ये कैसे है सामने से सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन एक्सटर्नल हॉस्पिटल प्रोट्यूब्रेंस और ऑन ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स ठीक हो गया अब हमने इसकी पढ़ ली है एक्सटेंशन वीक एंटीरियरली यहाँ से पोस्टीरियरली एक्सटर्नल हॉस्पिटल प्रोट्यूबर टेम्पोरल हमारे पास फाइव लेकैल ठीक है सी से हमारे पास आ जाता है कनेक्टिव टिशू या तो जिसे कहते हैं सुपरफिशल फेशिया ठीक है अब ए से आ जाता है एपोन्यूरो जिसे कहते हैं ग्लाया एल से आ जाता है हमारे पास लूज एरोलर टिश्यू जिसे सब एपोन्यूरोटिक स्पेस भी कहते हैं ठीक है सब एपोन्यूरोटिक टिश्यू पी से आ जाता है पेरिक्रेनियम पेरूक्रेनियम द आउटर पेरिटोनियम ये पेरिटोनियम लेयर कैसे होता है बोन है बोन की जो ऊपर वाली लेहर है बाहर वाली उसे कहते हैं आउटर पेरिटोनियल लेयर ठीक है वो पेरिक्रेनियम है अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लेयर देखते हैं स्किन स्किन में हमारे पास हेयर्स होते हैं स्वेट ग्लैंड हैं सबेशियस ग्लैंड हैं ये थिक एंड हेयर होती है अडेयर टू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस अडेयर होती है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से बाय डेंस सुपरफिशियल फेशिया मतलब कनेक्टिव टिश्यू हमने इसको कहा था सुपरफिशियल फेशिया मतलब इसके थ्रू ये दोनों आपस में अटैच होते हैं मतलब ये तीनों अटैच है ये मूव करती हैं एज अ सिंगल यूनिट ठीक है ये हमारे पास मूवेबल होती हैं तीनों लेयर्स और ये एक साथ जुड़ी होती हैं और इन तीनों लेयर्स को मिला के सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कील भी कहते हैं ये बात लाजमी याद रखनी है पूछी जाती है कि सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल कौन सी हैं हमने कहना स्किन कनेक्टिव टिश्यू है सुपरफेशल फेशिया या एपोन्यूरोसिस या ग्लाया एपोन्यूरोटिका ठीक हो गया अब स्किन पे हमारे पास क्या होता है 1.2 पॉइंट लीटर्स हेयर फॉलिकल फॉलिकल्स होते हैं ये स्किन जो सी होती है ना ऑलवेज ए वर्जकुल एवोस्कुलर स्किन तो है पर स्किन को सप्लाई कहाँ से मिली है अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हाईली uh, वोस्कुलरिटी की वजह से स्किन को हमारे पास ब्लड मिल रहा होता है ठीक है अभी देखिए स्किन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमने हर लेयर के ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं स्पेशियस ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट है स्किन में हमारे पास स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनसे सीबम प्रोड्यूस होते हैं और वो स्किन को ऑयली स्क्रेशन देते हैं और हर स्किन के हर पार्ट पे होंगे जहाँ जहाँ पे हेयर्स हैं और जहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट हैं देयर द सीबम समटाइम फॉर्म द सिस्ट जब बहुत ज़्यादा सीबम हो जाए तो वहाँ पर एकॉम्बेशन हो जाती है और एक सिस्ट बन जाती है अंडर द स्किन पे अगर अब उस सिस्ट टू टाइप्स के अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करा उस इन्फेक्शन में तो ये सिस्ट ख़ुद ब खुद रिकवर कर जाएगी बट अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गया है तो वो इन्फेक्शन हो जाता है प्रॉपर और वो पेनफुल होता है ठीक है हमने बस इतनी याद रखनी है कि स्किन में हमारे पास सीबेशस ग्लैंड की एक्सेस एक्सेसिक्रेशन ऑफम सीब, सीबम की वजह से सिस्ट बन सकता है इफ़ देयर इज़ अ नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैन सिस्ट कैन रिकवर एट सेल्फ इफ़ देयर इज़ अ बैक्टीरिया ग्रो इन इट दैन द इन्फेक्शन एंड इट्स अ पेनफुल कंडीशन अब हमारे पास सेकेंड लेयर है सुपरफिशियल फेशिया या तो कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ये क्या होता है ये फाइब्रस लेयर है फाइबरस मेम्रेनस लेयर है डेंस इन सेंटर होती है और थिक थिन uh, होती है पेरीफ्री पे ठीक हो गया अब इसके थ्री फंक्शंस हम लोग देखते हैं ये हो गए इसके फंक्शन हमारे पास फर्स्ट क्या है ये मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोविजन ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर द ओवर स्किन ठीक है ओवरलाइन जो ऊपर पड़ी होगी हमने कहा था स्किन को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रही है जो जिसके नीचे पड़े होंगे और इसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है अगर हम यहाँ से देखें सबसे पहले लेयर्स को सबसे पहले ये आ गई है हमारे पास स्किन जिस पे हमारे पास हेयर ग्रो किए हुए है हैं सेकेंड यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं ये हमारे पास है सुपरफिशियल फेशियल है या तो कनेक्टिव टिश्यू ये ग्रीन वाली एपिक्रेनियल एपिन या तो ग्लाय एपिनटिका ये हमारे पास लूज एर टिश्यू ये पेरिक्रेनियम फिर हमारे पास आ जाती है बोन बोन के दरम्यान में देखें सूचर है फिर हमारे पास आ जाता है अगर यहाँ पे ब्रेन पड़े होते तो ये हमारे पास ड्यूरोट्र की लेयर है ये मैनिंजल लेयर आ जाती है और ये उसकी एंडोस्टियल लेयर ड्यूरा मेटर की ठीक हो गया ड्यूरोटर इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हम लोग मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू दूँगी अगर हम यहाँ से एक दफ़ा सुपरफिशियल बस जल्दी से देख लें जो अंदर वाला है ना ये सारा सी बनाया ठीक है पॉन्सम डोला और ये हमारे पास ब्रेन स्टाइम वगैरह आ जाता है सैरीबैल और ऊपर से सारा कुछ ठीक है कि हमारे पास वो आ गया अब इसकी जो आउटर लेयर है ये जो ग्रीन ग्रीन है बिल्कुल इसके साथ साथ जुड़ी हुई है ये देखें गौर से जो इसके साथ साथ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन जुड़ी हुई है ये हमारे पास पाया की लेयर पाया जो होता है ना कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है हाईली वस्कुलर होती है वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ वाली पाया है इसको पाया क्योंकि पाया मीन सॉफ्ट मैटर मीन्स मदर सॉफ्ट मदर कवरिंग दी एन एस ई उसकी टेक केयर के लिए होती है फिर ये जो हमारे पास कॉलम्स कॉलम्स में आई हुई ये ब्लू वाली लेयर ठीक है ये ब्लू लेयर है हमारे पास एरेकनाइड की लेयर एरेक्नाइड मैटर इसकी स्पाइडर शेप होता है इसके अंदर मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ट्रेबिकुलाए बना रहे हैं अब ये ट्रेबिकुलाए मैंने शो करवाया है बहुत गंदे गंदे ट्रेबिकुलाए होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं एरेकनाइड मैटर को ये वाला तो हमारे पास एरेकनाइड मैटर है ना अब ये ट्रेबिकुलाई क्या करते हैं रेकनाइड मैटर को ग्रीन वाली लेयर पाया मैटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारे पास हाईली वेस्कुलर थी और ये रिलेटिवली नॉन वेस्कुलर है ठीक है ये ब्लू वाली अब ब्लू से बाहर हमारे पास कौन सी लेयर है ये है हमारे पास ड्यूरा मेटर की लेयर ठीक है टफ एंड स्ट्रॉन्ग होती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ऑल्सो मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्यूरोमेट्रिक की लेयर है ठीक है स्ट्रॉगेस्ट लेयर है इतना हमारे लिए जानना काफ़ी था कि हमारे पास सबसे पहले पाया मैट्रिक की लेयर आती है फिर डेक्टनाइट मैट्रिक की लेयर आती है फिर ड्यूरोमेट्रिक की अब ड्यूरोमेट्रिक की लेयर्स को ना हमने तो टू में डिवाइड किया हुआ है कि जैसे हमने ये स्कल बोन बना ली स्कल बोन के अंदर हमारे पास आ गई ये ड्यूरा मेट्रिक की लेयर को हमने टू में डिवाइड कर दिया एक ये बाहरवली में निजी लेयर और एक पेरी ओस्टियल लेयर पहले देखो पेरी ओस्टियल लेयर आई बिल्कुल साथ 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 फिर उससे दूर ये देखो बाहर वाली थी मैनिजियल लेयर इस तरह ही है ये भी पेरियस्टियल लेयर यहाँ पे देखें जरा मैनजियल लेयर थी बाहर वाली और रेंडोस्ट्रियल लेयर अंदर वाली और ये बोन से ऊपर वाली हमारे पास आ जाती है पेरियस्टियल लेयर अब समझ आ गई होगी सबको कि ड्यूरा मैटर कहाँ से है यहाँ पे हमारे पास ब्रेन वगैरह आ जाएंगे सीएनएस और ये ऊपर से वो सारी लेयर स्टार्ट हो जाती है ठीक हो गया अच्छा हमने इसका फर्स्ट फंक्शन देख लिया कि मीडियम प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोविजन ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर द ओवर लाइंग स्किन के लिए ये हमने देख लिया कि हमारे पास ये देखें ब्लड वेसल्स हैं ठीक है मीडियम प्रोवाइड करते हैं ब्लड वेसल्स के लिए ओवरलाइंग स्किन के लिए ठीक हो ओके दूसरा फंक्शन क्या है गिव्स द सेप्टा विच कनेक्ट करते हैं स्किन को विद द अंडर लाइंग एपोन्यूरोस विच कनेक्ट द स्किन विद द अंडरलाइंग एपोन्यूरोसिस ये तो हमने स्किन में भी फंक्शन पढ़ा था के अडेयर होता है एपिक्रेनियल एपोनोरासिस के साथ थ्रू सुपरफिशल फेशियल टिश्यू इसमें भी इन्होंने सेम बताया कि ये सेप्टास प्रोवाइड करते हैं सेप्टास प्रोवाइड किए जिन्होंने स्किन को एपिक्रेनियल एपोनोरासिस के साथ अड्डेयर किया ठीक हो गया अब ये जब लेयर एक दूसरे के साथ अटैच होती है ना तो ये मूव करती हैं एज ए सिंगल यूनिट ये भी मैं ऊपर ही बात बता चुकी थी जिसकी वजह से इन्हें कहते हैं सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प या तो स्कैल्प प्रॉपर जहाँ स्कैल्प प्रॉपर का वर्ड यूज़ होगा तो ये फर्स्ट थ्री लेयर्स यूज होंगे इनका नाम हमने ऐड करना है ठीक हो गया अकेली नहीं लिख देनी पहली तीन सर्जिकल लेयर्स हैं और इन्हीं को स्केल्प प्रॉपर uh, कहते हैं ठीक है अब हमारे पास इसका बैड एक्सपेक्ट क्या है ये क्या करती है ये ब्लड वेसल्स किस वॉल्स के साथ टाइटली बाउंड होती है जैसे ये देखो इसने उसको टाइटली बाउंड किया हुआ है कि जब हमारे पास कोई इंजरी हो जाएगी ना तो ये कट जाएंगे बीच से जैसे मैं बना के दिखाती हूँ अगर ये पड़ा हुआ है ये टाइटली बाउंड पड़ी हुई है अगर यहाँ पे आके कोई इंजरी हो जाती है कोई कट लग जाता है स्किन की सुपरफिशियल लेयर में ज़ाहिर स्किन भी कटेगी सुपरफिशियल फेशिया भी कट जाएगा तो क्या होगा अब ये तो टाइटली बाउंड है ये जो ब्लड वेसल पड़ी है ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी ना क्योंकि वो तो वॉल्स के साथ अटैच है वॉल्स भी नहीं कॉन्टैक्ट कर सकेंगी जिसकी वजह से ये खुला रह जाएगा मतलब जैसे हमने शो करवा दिया ऊपर कट लग गया है ये स्किन की लेयर को भी कट लग गया है वो भी ओपन हो गई है सुपरफिशियल फेशिया के लेयर भी उसके अंदर के वेसल्स भी ओपन हो गए हैं अब ब्लड जो है प्रोफ्यूजली ब्लीड हो ही जा रहा है ब्लीडिंग हो ही जा रही है हो ही जा रही है पर अगर सिर्फ इन टू लेयर्स को ब्लड कट ने इन्वॉल्व किया ना तो जैसे हम लोग कहते नहीं होते बच्चों के कि कभी सर पे चोट लग जाती है फिर हम उसे ऐसे ऐसे करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो ब्लड स्टॉप हो जाएगा ये रुक जाएगा ठीक हो गया टाइटली विद द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट्स वेद द वेसल्स कांट कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड प्रोफ्यूजली ही लीक करता है इसको बचाने के लिए या इसको ब्लड को ख़त्म करने के लिए हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं सर के ऊपर से अगर सिर्फ ये टू लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं इस कंडीशन में ऐसे ठीक है थीके? अगर हम एप्रेनियन एपोनोसिस अब थर्ड लेयर को देखें इसमें क्या होता है कि मेमब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है टेंडिनस शीथ है डेट यूनाइट द ऑसिपिटल एंड द फ्रंटल बैलीज ऑफ फ्र, दिपिटो फ्रंटैलिस ठीक है कैसे कि यहाँ पे हमारे पास सुपर ऑर्बिटल मार्जिन से फ्रंटल मसल स्टार्ट हो गया था तो यहाँ तक फ्रंटल मसल आ गया फिर ऑसिपिटल मसल था यहाँ तक समझो ऑसिपिटल मसल आ गई दरमियान में जो सारा ठीक है कल वीडियो ऑफ द वर्ल्ड ये जो सारा हमारे पास मेम्ब्रेनस शीट आती है टेंडेनस ये हमारे पास है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस ये देखें तो ये फ्रंटल पहले आ गई फ्रंटल मसल इसीलिए इस मसल को कंबाइन करते हैं फ्रंटो ऑसिपिटालिस मसल ठीक है ये ऑसिपिटल आ गई दरमियान में जो दोनों से दोनों जिस चीज़ से अटैच है उसे कहते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस इन दोनों की जो है ना पॉइंट्स ऑफ इन्जर्शन सेम है अब हम लोग पढ़ते हैं देखो सबसे पहले हमने भी पढ़ लिया टू बैलीज होती हैं ऑसीप्रो फ्रंटेलिस हॉस्पिटल एंड द फ्रंटैलिस मसल इन्जर्ट होते हैं दोनों ऑन द एपोन्यूरोसिस और दोनों सप्लाई होते हैं बाय द फेशियल नर्व से अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ऑसिपिटल मसल कहाँ से अराइज हो रहा है सुपीरियर नक्ल लाइंस हमने पढ़ी थी ना ऑसपिटल प्रोट्रूब्रेंस वाली जो हमने इसकी पढ़ी थी कि कहाँ तक एक्सटेंड करता है देखो सुपीरियर नक्ल लाइंस के लेट्रल साइड से हमारे पास ऑसपिटल मसल ऊपर जाता है मतलब यहाँ से अराइज करके और पोस्टीरियर एंड ऑफ द एपिक्रेनियल एपिनोरासिस पे एक्सटेंड कर जाएगा यहाँ तक इन्जर्ट कर जाएगा ठीक है इतना सा ऑसपिटल मसल है और फ्रंटल मसल कहाँ से अपर आई के ऊपर से या फोर हेड से हमारे पास फ्रंट मसल स्टार्ट होता है और उसके एंटीरियर एंड पे इंसर्ट कर जाता है बस ठीक है एंटीरियर एंड ऑफ द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पे इंसर्ट कर गया अब दोनों को फेशियल नर्व सप्लाई करती है ये हमारे पास हो गया एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का ऑसिपिटो फ्रंट मसल की शीट्स के दरम्यान में होता है ये ठीक है अब इसमें हम लोग देखते हैं गेपिंग ऑफ वुड इस लेयर में है ये ये हमारे पास स्कैल्प बहुत इम इसके सारे क्लिनिकल स्कैल्प के सारी बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने एक एक वर्ड लिखा हुआ इसके अलावा आपको कभी एक लफ्ज़ नहीं आएगा कहीं से अच्छे से कर लिएगा ठीक है अब गैपिंग ऑफ वूड क्या है कि गैप प्रोड्यूस हो जाता है बिटवीन द कट एजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स कैसे पहले तो हमारे पास स्किन थी ये कट गई जैसे फिर नीचे थी सुपरफिशियल फेशिया इसकी वेसल्स कट गई हैं यहाँ तक काट देते हैं क्योंकि नीचे वाली लेयर को भी इसने काटा है अब ये नीचे वाली लेयर जो एपिक्रेनियल एपिनसिस है ये भी कट गई हुई है ना यहाँ से भी ब्लड प्रोफ्यूज़ कर रहा है अब जब थर्ड लेयर ही इन्वॉल्व हो गई है ब्लड कितना ज़्यादा लेयर्स में आई जा रहा है ठीक है स्केल बोन इज अ ट्रांसवर्स कट जब लग जाता है ट्रांसवर्स कट लग गया है कि ऊपर वाले के फाइब्रस सेप्टा भी कट गए हैं इस तरह कट लग गया है ठीक है इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ फाइब्रस सेप्टा ऑफ द अपर लेयर अपर लेयर कौन सी थी सुपरफिशियल लेयर में ही हमारे पास सेप्टास थे ना ठीक है ब्लड वेसल्स दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे पास सुपरफिशियल uh, फेशियल के साथ टाइटली ढेर है ब्लीडिंग होती रहेगी होती रहेगी पर पहले तो हमारे पास सिर्फ पहली दो लेयर्स इन्वॉल्व थी इनके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया थम से या जिस चीज़ से भी हमारे पास ब्लीडिंग रुक गई पर जब हम लोग देखेंगे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं चेक करते हैं अक्सर तो वो कहते हैं कि इसको प्रेशर प्लैक करने से ठीक हो जाएगा अक्सर वो कहते हैं इस पर एक दो टांका लगेगा अगर वो जब स्टिचेस का बोलते हैं ना तो मतलब ये एपिक्रेनियल एपिनसिस की लेयर इन्वॉल्व होती है इसमें जिसकी वजह से हमारे पास हमें दो स्टिचेस लगा के इसको स्टॉप करना पड़ता है एपिक्रेनियल एपेन्यूरोसिस वाले में हमें स्टिचेस लगाने पड़ेंगे वरना ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती इन्फेक्शन हो सकता है इसको हम लोग कहते हैं गेपिंग ऑफ वोंड